चाहे दूर चाहे सुकून, दिल ने तुझको ही पुकारा। चाहे उड़ते दुनिया वालों भूल जाना हम पे डालो, चाहे इतना जोर लगाओ सब पे आगे हो गए हिंदुस्तान। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के बजे 8:45 एंड हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। तो अभी हम लोग चंडीगढ़ में, कल दोपहर को हम लोग ऋषिकेश से निकल गए थे, ऐसे ही आ गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमारा जो प्लान है वो आप लोगों को आगे चल के मालूम पड़ जाएगा। ये जो है ये जो है चंडीगढ़, ये है पंजाब और हरियाणा का कैपिटल, जो कि हम लोग राजधानी बोलते हैं। सो बस अभी का सीन है, हम लोग निकल रहे, बैग्स वगैरह सारे नीचे चले गए, मैं भी जाता हूँ नीचे। यहाँ से हमारा व्यू देखो रूम से, मस्त बहुत बढ़िया व्यू था गैलरी का। सो चलते भी नीचे की ओर और निकलते यहाँ से। होटल में हम लोग रुके थे, ये था पर्ल ग्रैंड होटल, जो कि हाईवे के लग के ही है। बट मैं बोलूँगा कि आप लोग मत आना यहाँ पे, इतना मतलब यार ठीक ठाक सा था बट है ना। मैं क्यों नहीं बोल रहा आप लोगों को, क्योंकि सुबह उठ के भाई ने गर्म पानी नहीं मिला हम लोगों को, मतलब जितना चाहिए ना उतना नहीं मिला। उसके बाद जो हॉट वाटर का जो रखा हुआ था वो भी लीकेज था, जो चार्जिंग के प्लग थे वो भी बंद थे। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मत आना। मैं तो यार फोटोज वगैरह देख के हम लोग बुक करते, रिव्यूज़ भी देखे थे उस टाइम अच्छे थे, बट अभी मैं आया हूँ तो अभी के लिए तो सारी चीज़ें ऐसा था मैंने जो फेस किया, इसके लिए बोलता हूँ। अभी तो मैं इसके बारे में वो ये भी लिखूँगा, अपना क्या बोलते हैं कमेंट डालते ना हम लोग बुकिंग डॉट कॉम में, जहाँ पर रिव्यूज़ लिखते तो रिव्यूज़ भी डालूँगा मैं इसके लिए, क्योंकि यार आगे आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए डालना पड़ रहा है। सो चलते भी आगे के लिए, बैग रखते हैं एंड निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं फाइनली जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था वहाँ से, एंड अभी हम लोग को जाना है अमृतसर। तो अमृतसर हमारे लोकेशन से अभी 236 किलोमीटर, जिसके लिए मुझे 4.5 घंटा पता है। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली मुझे मैप ने दिया है 1:20 का टाइम दिया है, तो देखते भी कितने बजे तक पहुँचते हैं, बिकॉज रास्ते में खाना वाना खाने रुकेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे। तो चलते अभी निकलते हैं ऐसे। यहाँ पर है ना तीन टाइप की गाड़ियाँ दिखेगी, मतलब पंजाब पासिंग, चंडीगढ़ एंड हरियाणा। तो मिक्स सब जो कार से बाइक से सबके ऊपर मिक्स पासिंग दिखता है सब। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे कर दिया इन लोगों ने, कि दो स्टेट को मिलके एक ही कैपिटल रख दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए ना पापा, उसका रीजन बता सकते हो? पता है आपको एकच राज्य होत, हरियाणा नंतर वेगळं झालं, नंतर असा वाद झाला की मग राजधानी कोणती ठेवायची, असं केला म्हणजे चंदीगडला केंद्र शासित प्रदेश केला, दोघं राज्यांची राजधानी म्हणून चंदीगड। अच्छा ओके, तो ऐसा कुछ सीन है, जो लोग मराठी है उनको समझ गया होगा पापा ने क्या बताया। लोग एक ढाबे पे रुके हैं, देखते क्या मिलता है खाने के लिए। भाई साहब बहुत जोरों की हवा चल रही है यहाँ पे, देखते क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ पर। मस्त लग रहा है बट हवा भी मस्त चल रही है यहाँ पे। देखो पीछे के साइड, ये देखो सारे पेड़, मस्त लग रहा है हाईवे पे यहाँ पे। तो फाइनली हम लोगों ने खा लिया, बहुत जोरों की हवा चल रही है, आप लोगों को विंड नॉइज आ रहा होगा, इसके लिए जोर से बात कर रहा हूँ। सो जो खाया हम लोगों ने, पराठा खाया दही के साथ में, बहुत मस्त था। और उसके बाद मैंने लस्सी भी ले आया था, क्योंकि भाई पंजाब में आए तो लस्सी लेना तो बनता है, ट्राई करना तो बनता है, इसके लिए लस्सी ले लिया, तो अच्छा था वो भी। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये जो बिल है ये पक्का वाला बिल नहीं है, फिर भी इसके ऊपर GST लगाया भाई ने। अगर आप में से किसी को पता है इसके बारे में क्या सीन है ये, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि एग्जैक्टली क्या सीन है, क्योंकि ये नॉर्मल सा बिल है, इसके ऊपर ही भाई ने GST लिख दिया है इस तरह से। आई डोंट नो, मैंने भाई को बोला तो वो बोला था यही हमारा पक्का वाला बिल है, तो इसके लिए अभी क्या ही बोल सकते। चलो निकल जाए आगे के लिए। हाईवे पे यहाँ से लिया ऑरेंज एंड यहाँ से लिया ऑरेंज जूस, अभी वो अंकल बना के दे रहे हैं हम लोगों को। सो मस्त अभी ऑरेंज जूस पियेंगे, अभी तो दोपहर का 1 बजे हुए हैं। हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट किया था तो वो थोड़ा तगड़ा हो गया था,
तो इसके लिए अब तक हम लोगों को भूख नहीं लगी है, अभी हम लोग यहाँ पे जूस लेंगे एंड देन डिसाइड करते हैं भाई खाने का क्या है। हम लोगों को अभी यहाँ से और 50 किलोमीटर जाना है अमृतसर, एंड शायद हम लोग जो गोल्डन टेम्पल है ना वो शाम को जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे शाम को जाने का ही अच्छा रहता है लाइटिंग वगैरह लगने के बाद। तो उससे पहले जो भी दूसरी दो चार जगह है वो एक्सप्लोर करेंगे, तो ये लेते हैं एंड देन उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो ये लिया हमने भाई ऑरेंज जूस, बहुत बढ़िया है भाई, पीते हैं एंड देन निकलते हैं। सो गाइस, तो अभी हम लोग आए वाघा बॉर्डर। सो यहाँ पर जस्ट मैंने पार्किंग किया, वहीं पर वो पार्किंग वाले बंदे ने मेरे को ये सब करवा दिया मस्त से, और स्टार्टिंग में मेरे साथ स्कैम हो गया भाई, बिना पूछे लगाने आ गया एंड बोल रहा है भाई कि 100 रुपये दे दे। शुरू में स्कैम, सब तरफ स्कैम होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, चलो दे दिया मैंने उनको पैसे। अभी चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे सब चलेगा, परेड होगा उस साइड में जा रहे हैं। यही से हम लोगों ने किया एंटर, एंड सबसे मेन बात क्या है बताए, यहाँ पर वीडियो सब अलाउड है, सिर्फ आप लोग पावर बैंक वगैरह जैसी चीज़ें नहीं लेके जा सकते, बट कैमराज वगैरह वीडियो सब कुछ अलाउड है। सो ये सबसे मेन बात है एंड सबसे अच्छी बात है। तो चलते हैं अभी, मम्मी और पापा को मैंने आगे ही छोड़ दिया था क्योंकि उनको थोड़ा चलने का प्रॉब्लम हो जाता, तो चलते अभी वहीं पे। यहाँ पर है रेस्टोरेंट, उसका किया है ऐड और लिखा है इंडियाज फर्स्ट एंड लास्ट रेस्टोरेंट। सो भाई बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें पढ़ के देख के चलते हम लोग अभी, मम्मी पापा भी आ गए पीछे से, चलते अभी इस साइड से जाना है हम लोगों को, चलते वहीं पे। तो कैप ले लिया मैंने, टी शर्ट्स भी दिया पे, बट टी शर्ट मेरे साइज का नहीं मिला है मेरे को, था बट थोड़ा टाइट आया तो मैंने नहीं लिया। कैप लिया, अभी मस्त ऐसे एंट्री करते, क्राउड तो बहुत रहेगा, वो बस बहुत मज़ा आएगा। अभी जो मैं सुना कि यहाँ पर है ना गाने वगैरह चलेंगे, बहुत मस्त मज़ा आएगा, अभी चलते आगे की ओर। खाने पीने का सामान यहाँ से लेके जाए, खाने पीने के सामान पर कोई पाबंदी नहीं है, धन्यवाद। शाही किले की तरफ से जेजीपी अटारी मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है, कृपया करें। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दिया है, यहाँ पे अच्छा सिक्योरिटी से पूरा चेकिंग होता है, एंड खाने पीने की चीज़ लेके जा सकते हो, कैमरा लेके जा सकते हो, पहले बोल दिया मैंने आप लोगों को। अभी ऐसे चलते आगे की ओर, वो सामने आप लोगों को फ्लैग दिख रहा है दोनों, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी फ्लैग है सामने की ओर। चलो चलते उसी साइड में और दिखाते आप लोगों को। पर आप लोगों को अंदर के साइड में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, ये लोग बेचते रहते जैसे हम लोग स्टेडियम में बैठे उस तरह से माहौल यहाँ पे पूरा जैसे स्टेडियम में, सब खाने पीने की चीज़ें मिलती है, तो डोंट वरी।
भी हम लोग वहाँ से निकल गए, काफी मस्त परेड था यार सच में। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना तो जरूर यहाँ पे आना, मतलब मंदिर में आ रहे हो गोल्डन टेम्पल में ना तो जरूर यहाँ पे विजिट करना, मस्त होता है। सो अभी कितना ज्यादा भीड़ एक साथ निकला रहा है इसके लिए मैं वहाँ पे कुछ बात नहीं कर पाया, थोड़ा सा रिसीव किया आप लोगों को दिखा दिया भीड़ के अंदर। सो चलते भी गाड़ी की ओर और निकालते गाड़ी। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा भीड़ है, अभी भी कुछ गाड़ी यहाँ पे ऊपर लगी कुछ नीचे लगी, हमारी तो उसकी भी उस साइड में लगी। चलते गाड़ी के पास एंड निकलते यहाँ से। फाइनली गाड़ी के पास आ चुका हूँ अभी ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मेरे को गाड़ी निकलते निकलते भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी ना हम लोगों को दो तीन जगह पे जाना है, एक गोल्डन टेम्पल है, एक जालियन वाला बाग है और एक दो प्लेसेस है, लेट्स से भी क्या क्या हो पाता है एंड देखते हैं जो भी होगा। शायद आज स्टे करना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज गोल्डन टेम्पल जो है वो रात को ही देखने का असली मजा है, तो इसके लिए हम लोग शायद यहीं पे रुक जाएंगे, अदरवाइज जो हमारा आगे का जो जर्नी है वो रास्ते को लग के आगे कहीं पर स्टे कर सकते हैं। तो जो भी होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा। चलते भी सीधा गोल्डन टेम्पल, जब भी जाएंगे जालियन वाला बाग या फिर गोल्डन टेम्पल वो आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास, गोल्डन टेम्पल के पास। सो यहाँ पर है ना भाई साहब, यार इतना घूमे हम लोगों को पार्किंग नहीं मिल रहा था, इतना सिटी के अंदर इतना कंजेस्टेड था ना, तो गूगल मैप भी हम लोगों को घुमा रहा था इधर उधर। फिर हमने सोचा कि भाई इसको बंद ही कर देते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर पुलिस लोग हैं ना उनसे पूछ के जाते हैं, तो मैप बंद करके हम लोग पूछते आ गए यहाँ पे। तो चलते भी मंदिर की ओर और दिखाते आप लोगों को। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर की ओर, ये हमने ले लिया रास्ते में, तो चलते भी मंदिर की ओर। यहाँ पे ना यार मस्त माहौल हो चुका है, भीड़ तो बहुत है बट मस्त लग रहा है, सारे लाइटिंग एंड ऑल ये बिल्डिंग वगैरह मस्त दिख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हम लोगों को चलते चलते मिल गया जालियन वाला बाग का रास्ता, तो हम लोगों ने एंटर कर दिया। हमने तो ऐसा सुना था कि भाई 7:30 को बंद हो जाता है, अभी 7:45 हुए बट कोई बात नहीं, अभी लोग जा रहे थे तो हम लोगों ने भी एंट्री कर दिया। एक जगह पे मैंने लिया रबड़ी और मम्मी पापा ने लिया दूध, यहाँ पर देखो छोई लेते एंजल मंदिर की ओर जाते हैं। चलो जी आ गए हम लोग मंदिर के पास में, चलते अभी अंदर के साइड। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अभी भी क्योंकि मैंने जो आज तक देखा है वीडियोस में इधर उधर वो तो कौन सी साइड थी पता नहीं, हम लोग कौन सी साइड में वो भी पता नहीं बिकॉज वो पानी वगैरह आता है वो शायद अंदर के साइड में हो यहाँ से जाने के बाद, तो चलते हैं देखते। गाइज अभी यहाँ पर भीड़ देखो कितना ज्यादा भीड़ है, ये जो पूरा दिख रहा है ना पूरा लाइन, ये पूरा का पूरा मतलब वेटिंग लाइन है, तो अभी तो हमारा नंबर लगना मुश्किल है, नामुमकिन ही है, शायद अगर हम लोग अभी रुकते हैं तो सुबह आना पड़ेगा। हम लोग मंदिर से निकले ना उसके बाद बहुत थक चुके थे, फिर भी हम लोग वॉक करते करते कैसे कैसे गाड़ी तक पहुँचे एंड देन उसके बाद मैंने एक होटल बुक किया एंड अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आए पहले खाना खाते हैं देन जाएंगे रूम पे, तो उसे आप लोगों को वहीं पर मिलता हूँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम पे, कुछ इस तरह से हमारा रूम। सो चलो अभी इस वाले वीडियो को तो यहीं पे खत्म करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय। मेरी आशिकी ये रब के हवाले, रूठे यार को बस कोई मना ले।